Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. Our today's topic in endocrine gland is parathyroid gland. Today we'll see about parathyroid gland, its functions, its applied aspects and how it works and its different types of cells. चलिए शुरू करते हैं. Parathyroid gland. इसके पहले हमने देखा था थायराइड ग्लैंड के बारे में, हम देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में. ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टलेस होती हैं, यानी जिनमें डक्ट नहीं होता, और उनका सिक्रीशन किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है और सिनेनॉइड्स के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज और सिनेनॉइड्स के थ्रू इनके सिक्रीशंस होते हैं, यानी सिक्रीशंस जो है इनका ब्लड में जाके इनके थ्रू मिलता है. पैराथायराइड, पैराथायराइड थायराइड का ही एक सब टाइप है. थायराइड ग्लैंड मैंने जैसे बताया ट्रेकिया के आगे थायराइड ग्लैंड रहती है, और जो पैराथायराइड रहती है ट्रेकिया के पीछे, जो थायराइड ग्लैंड रहती है पीछे वाले पोर्शन में रहती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की रहती है, तितली की जैसी रहती है, और उसके पीछे पीछे में यानी पोस्टीरियर भाग में दो इस तरफ, यानी दो इस तरफ और दो इस तरफ थायराइड के पीछे ऐसी ग्लैंड्स रहती है, यानी चार रहती है, दो दो लोब्स में, दो इस तरफ और दो इस तरफ ऐसी रहती है पैराथायराइड ग्लैंड, सिचुएटेड बिहाइंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ठीक है. पैराथायराइड आर टू पेयर्स ऑफ स्मॉल येलो ब्राउन बॉडीज, दो पेयर में होती हैं, यानी दो पेयर, यानी एक पेयर में दो, एक पेयर में दो, दो दो के पेयर, पेयर यानी गुच्छे, दो लोग एक चीज में दो. ठीक है, दो दो के पेयर में रहती है, दो इस तरफ और दो इस तरफ, स्मॉल यानी छोटी रहती है आकार में. जैसे कि ये रहा ट्रेकिया, है ना, ये ट्रेकिया रहा, ये रही थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप की. ये भाग में आपको पोस्टीरियर भाग बता रहा हूं, एंटीरियर भाग में सामने थायराइड ग्लैंड है और पीछे है पैराथायराइड, ये दो इधर रही और दो इधर रही. ठीक है, दो इधर साइड और दो इधर साइड. पैराथायराइड आर टू पेयर्स ऑफ, यानी दो पेयर है इनके, स्मॉल येलो ब्राउन बॉडीज, यानी छोटी, स्मॉल येलो यानी पीली और ब्राउन, पीली और भूरी टाइप की इसकी बॉडी रहती है. ठीक है, कनेक्टेड विद पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. इसमें मैंने बताया पोस्टीरियर एस्पेक्ट यानी पिछले बार उसके पीछे हुए पिछले भाग में, ये मतलब बिहाइंड उसके पीछे हुए लगी रहती, जुड़ी हुई रहती है. सेपरेटेड फ्रॉम थायराइड बाय थिन कैप्सूल, थायराइड से ये सेपरेटेड रहती है, एक कनेक्टिव टिश्यू का एक थिन लेयर बना रहती है, और सेप्टा उनको डिवाइड करके उनको सेपरेट करता है थायराइड ग्लैंड से. जुड़ी हुई रहती हैं पर सेपरेट वर्क करती हैं. ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम थायराइड बाय थिन कैप्सूल, थिन कैप्सूल काय का रहता है, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है जो उनको डिवाइड करके थिन कैप्सूल में यानी एक आकार में अंदर कवर करके रखती है. ठीक है, और थायराइड से सेपरेट करती है यानी अलग करती है. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेल्स एंड ऑक्सीफिलिक सेल्स. इसमें क्या क्या होते हैं, इसके पैरेन्काइमा में यानी सेल इसके अंदर ग्लैंड के अंदर पैरेन्काइमा में प्रिंसिपल सेल्स होते हैं और ऑक्सीफिलिक सेल होते हैं. कौन से सेल होते हैं? प्रिंसिपल सेल्स एंड ऑक्सीफिलिक सेल्स. इधर देखो, ये रहे प्रिंसिपल सेल्स, ये जो सेल्स हैं ये वाले सेल्स जो अंदर जिनके न्यूक्लियस डार्क नहीं है वो रहे प्रिंसिपल सेल्स, और ये जो बड़े बड़े साइज के रहे जिनके न्यूक्लियस डार्क दिख रहे हैं ये रहे ऑक्सीफिलिक सेल्स. प्रिंसिपल यानी मुख्य सेल, जो चीफ सेल्स होते हैं बॉडी के उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स, और जो सेकेंडरी होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीफिलिक सेल्स. किसमें? पैराथायराइड में. ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स अरेंज इन शीट्स विद न्यूमेरस सिनुसॉइड्स एंड कैपिलरीज. प्रिंसिपल सेल्स अरेंज रहते हैं शीट्स में, यानी ऐसे लेयर्स में अरेंज रहते हैं. ठीक है, इन शीट्स विद न्यूमेरस सिनुसॉइड्स एंड कैपिलरीज. उसमें न्यूमेरस यानी बहुत ज़्यादा संख्या में सिनेनॉइड्स होते हैं. सिनेनॉइड्स ऐसी जो क्या बोलना चाहिए, सुराख रहता है, यानी ऐसी ऐसे सेल्स रहते हैं जिसके थ्रू सिक्रीशन होता है. एक तो सिक्रीशन होता है ब्लड में, कैपिलरीज के थ्रू आता है ब्लड में मिलता है इसके सिक्रीशंस जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है, और दूसरा होता है सिनेनॉइड्स. जैसे एकिनी होता है ना,
एक्सोक्राइन में जैसे एकिनी होता है जो सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को, उसी तरीके से इसमें सिनेनॉइड्स होते हैं बहुत सारे और कैपिलरीज होती हैं जिनके थ्रू केमिकल आता है, हॉर्मोन्स आते हैं और ब्लड में आके मिल जाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स आर राउंड एंड न्यूक्लियस इन सेंटर। प्रिंसिपल सेल्स राउंड रहते हैं यानी गोल रहते हैं और इनके सेंटर में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड, देयर न्यूक्लियस इज सेंट्रली प्लेस्ड, इनका न्यूक्लियस बीच में रहता है, राउंड रहते हैं आकार में, गोल रहते हैं और न्यूक्लियस बीच में मध्य में रहता है। प्रिंसिपल सेल्स सेंटर पेल स्टेनिंग एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म शो ग्रैन्यूल्स। पेल स्टेनिंग यानी हल्का स्टेन, डार्क स्टेन जब इसकी स्टेनिंग करते हैं तो ये हल्का स्टेन देता है, एसिडोफिलिक होता है ये, इसका साइटोप्लाज्म एसिडोफिलिक होता है और शो ग्रैन्यूल्स यानी इसमें क्या दिखते हैं, ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, क्या दिखते हैं, ग्रैन्यूल्स यानी दाने दिखते हैं ये। ठीक है, ये हल्का स्टेन करता है और स्टेनिंग के बाद स्पेशल जब कुछ स्पेशल स्टेन से उसको ट्रीट करते हैं तो उसमें दिखते हैं ग्रैन्यूल्स। ऑक्सीफिलिक सेल्स फ्यू इन नंबर ऑकर सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप्स। जो ऑक्सीफिलिक सेल्स रहती हैं नंबर में कम रहती हैं यानी संख्या में कम रहती है, फ्यू इन नंबर ऑकर सिंगली और इन स्मॉल ग्रुप, या तो सिंगल सिंगल दिखेंगे या छोटे छोटे ग्रुप्स में दिखती है ऑक्सीफिलिक सेल्स। दिख रही है ऑक्सीफिलिक, ये ऑक्सीफिलिक सेल्स फ्यू इन नंबर यानी जैसे कि आपको ये प्रिंसिपल सेल्स दिख रही, कितनी ज़्यादा है प्रिंसिपल सेल्स यहाँ पे स्लाइड व्यू जो है, और ऑक्सीफिलिक सेल के एक दो तीन जो तीन से ज़्यादा गुच्छे नहीं है, पेयर्स नहीं दिख रहे हैं, फ्यू इन नंबर रहती है, कम रहती है और सिंगल या तो सिंगल सिंगल दिखती है या तो छोटे छोटे ग्रुप्स में दिखती है। ठीक है, लार्जर देन प्रिंसिपल डार्क न्यूक्लियाई स्ट्रॉन्गली एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म, लार्जर देन प्रिंसिपल, इनका साइज रहता है प्रिंसिपल सेल्स से ज्यादा बड़ा रहता है, ये देख रहे हो प्रिंसिपल सेल्स, ये है प्रिंसिपल सेल्स और ये है ऑक्सीफिलिक सेल्स, तो ऑक्सीफिलिक सेल जो है साइज जो है इसका देखो प्रिंसिपल सेल्स से बड़ा है कंपेरिजन में, और ये इनका जो न्यूक्लियाई रहता है देखो न्यूक्लियाई जो है डार्क दिख रहा है, इनका नहीं है क्योंकि पेल रहता है हल्का रहता है, इनका न्यूक्लियाई रहता है डार्क और स्ट्रांगली एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म, और इनका साइटोप्लाज्म जो रहता है बहुत स्ट्रांगली एसिडोफिलिक होता है। ठीक है, क्या देखा हमने, पैराथायराइड क्या रहता है, टू इन पेयर्स, दो पेयर में होते हैं ये, स्मॉल और येलो ब्राउन बॉडीज होती है इसकी, कनेक्टिव टिश्यू विद पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर रहती है इसके पोस्टीरियर भाग में जो कि सेपरेट करता है थायराइड को पैराथायराइड से, एक थिन कैप्सूल बनाकर। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल सेल्स, इन्हें प्रिंसिपल सेल्स होते हैं और ऑक्सीफिलिक सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स अरेंज इन शीट्स, प्रिंसिपल सेल्स शीट्स में अरेंज रहती हैं, न्यूमेरस सिनुसॉइड्स, इसमें सिनुसॉइड्स बहुत सारे होते हैं और कैपिलरीज होती हैं, किसके लिए होती हैं, ताकि सिक्रीट कर सके हार्मोन, प्रिंसिपल सेल्स राउंड रहती है, न्यूक्लिया इसका सेंटर में रहता है। ठीक है, और पेल स्टेनिंग यानी हल्का स्टेन देते हैं ये, एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म रहता है और शो ग्रेन्यूल्स शो करते हैं कब, जब इसको कोई स्पेशल स्टेन से ट्रीट करो तब इसमें ग्रेन्यूल्स भी दिखते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, ऑक्सीफिलिक सेल्स फ्यू इन नंबर, नंबर में कम रहती है, ग्रुप में रहती है सिंगली या ग्रुप्स में दिखती हैं ये, इसका न्यूक्लियाई डार्क रहता है, स्ट्रांगली एसिडोफिलिक इसका साइटोप्लाज्म होता है। अब देख रहे हैं इसके बाद हम, ऑक्सीफिलिक सेल्स आर इंक्रीज बाय एज। ऑक्सीफिलिक सेल्स क्या होते हैं, एज के साथ साथ इंक्रीज हो जाते हैं, जब उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो उनकी जो संख्या है ऑक्सीफिलिक सेल्स की वो बढ़ते जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स सिक्रेट पैराथॉर्मोन मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल। जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करते हैं पैराथॉर्मोन, और जो हार्मोन होता है उसका नाम है पैराथॉर्मोन, जो किसके द्वारा सिक्रेट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथॉर्मोन सिक्रेट करती है, और पैराथॉर्मोन क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम होता है पैराथॉर्मोन का। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराथायराइड कॉजेज ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेटेड। जब हाइपर एक्टिविटी में आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा मतलब वर्क करता है कौन, पैराथायराइड ग्लैंड, तो क्या होता है,
क्या कॉज करता है वो, ब्लड कैल्शियम लेवल एलिवेटेड, यानी ब्लड कैल्शियम लेवल को और बढ़ा देता है, एलिवेटेड यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को और बढ़ा देता है। अब कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ाएगा ये, कैल्शियम का सिंथेसिस तो खुद नहीं कर रहा है ये, कैल्शियम कहाँ से आएगा ये बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं से तो कैल्शियम लेगा ही बढ़ाने के लिए, कैसे लेगा वो कैल्शियम बढ़ाने के लिए, विथड्रॉइंग इट फ्रॉम बोन्स कॉजिंग ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन से, ये बोन क्या है, कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है बॉडी में, बोन में कैल्शियम पाया जाता है क्योंकि कैल्शियम से ही बोन बनती है, कैल्शियम फॉस्फोरस के मिक्सचर से, तो ये क्या करता है बोन से कैल्शियम ले लेता है ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए, इसकी ऐसी हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसके कारण क्या होता है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए बोन से कैल्शियम ले लेता है, और बोन से कैल्शियम लेने के कारण बोन क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है, उसका ढांचा है जो रहता है बोन का वो स्ट्रांग नहीं रहता, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उसमें, बोन क्या होती है जैसे झड़ने लगती है, गलने लगती है, जैसे सीलिंग में अगर वो पपड़ी आ जाती है ना, सीलिंग में पपड़ी आ जाती है, कैसे पपड़ी चूती है झड़ती है, उस तरीके से जो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है बोन से कैल्शियम झड़ने लगता है, और फ्रैक्चर ऑफ बोन, और क्या होता है बोन अगर कमजोर हो जाएगी उसमें से कैल्शियम झड़ने लग जाएगा तो क्या होता है बोन जल्दी से टूटेगी, उसका फ्रैक्चर हो जाएगा, तो ये क्यों होता है, पैराथायरॉइड की हाइपर एक्टिविटी के कारण क्या होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, और कैल्शियम बढ़ाने के लिए ये कहाँ से कैल्शियम लेता है, ये बोन से कैल्शियम लेता है, बोन से जब ये कैल्शियम लेता है तो बोन में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, बोन कमजोर और खोखली हो जाती है, उसके कारण क्या होता है बोन में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन गलने और उसमें कैल्शियम झड़ने लगता है बोन से, और क्या होता है इससे में इवेंचुअली फ्रैक्चर हो जाता है बोन का, क्योंकि आप कहीं भी गिरोगे टूटोगे तो उसमें क्या होगा जल्दी फ्रैक्चर होगा क्योंकि आपकी बोन उसके कारण स्ट्रांग नहीं है, तो ये किसके कारण होता है हाइपर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड के कारण होता है ये। अब हम देख रहे हैं इसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स, सबसे पहले हमने पैराथायरॉइड के सारा देख लिया कौन कौन से सेल्स होती हैं क्या क्या हार्मोन रहते हैं, अब हम देखेंगे ये फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, कैल्शियम सिक्रेटेड बाय पैरा फॉलिकुलर सेल्स, कैल्शियम सिक्रेट होता है पैरा फॉलिकुलर सेल्स से, पैरा फॉलिकुलर सेल्स कौन से हैं, मैंने ऑक्सीफिलिक सेल बता दिया आपको, प्रिंसिपल सेल्स बता दिया क्या होते हैं, कैपिलरीज बता दिया मैंने, कैपिलरीज के थ्रू तो सिक्रीशन बाहर ब्लड स्ट्रीम में मिलता है ना, और ये रहे फॉलिकुलर सेल्स कौन से, थायराइड के या पैराथायरॉइड के फॉलिकुलर सेल्स है, और बीच में कह रहा था कोलॉइड, कोलॉइड क्या करता है स्टोर करने का काम करता है, जो हार्मोन्स का जो स्टोरेज रहता है वो कौन स्टोर करता है, कोलॉइड स्टोर करता है, और ये क्या है ये फॉलिक्यूल, फॉलिक्यूल क्या है उस वो जगह जहाँ से हार्मोन प्रोड्यूस होता है बनके निकलता है। ठीक है, कैल्शियम सीक्रेटेड बाय पैरा फॉलिकुलर सेल्स लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम सीक्रेट होता है पैरा फॉलिकुलर सेल से और क्या करता है लोअर द ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है यानी लो करता है ना। अब इसके बाद देखेंगे पैराथार्मोन इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, पैराथार्मोन जो हार्मोन है जो सीक्रेट होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से वो क्या करता है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जिससे बोन का प्रोडक्शन होता है, बोन किससे बनती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल से बनती है, ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जिससे बोन फॉर्म होती है, जिससे कैल्शियम से मिलके बोन फॉर्म होती है उनको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये क्या करता है पैराथार्मोन ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है यानी उनको और एक्टिव कर देता है जिससे क्या होता है विच रिलीजेस कैल्शियम फ्रॉम बोन, जिसके कारण क्या होता है वो कैल्शियम को बोन से रिलीज कर देते हैं यानी कैल्शियम जो है बोन से निकलने लग जाता है और बहने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है पैराथार्मोन फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये क्या करता है पैराथार्मोन का एक और काम है, ये फैसिलिटेट करता है यानी उसको और आगे उसको बढ़ाता है किस चीज़ को रीअब्जॉर्प्शन को, किसके कैल्शियम के फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। ये क्या करता है पैराथार्मोन फैसिलिटेट करता है यानी और उसको प्रमोट करता है किसको कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को, किसमें किडनी में, किडनी में क्या होता है किडनी के थ्रू आपका सारी चीज़ें फिल्टर होकर निकलती है, और किडनी में क्यों स्टोन बनते हैं जब जो उसका फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ना हो पाए
और जो कैल्शियम है लेवल जो आपकी बॉडी में अगर ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पैराथॉर्मोन की हाइपर एक्टिविटी के कारण क्या होता है, कैल्शियम लेवल ज़्यादा बनने लग जाता है। और अगर कैल्शियम लेवल ज़्यादा बनने लग गया और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाई तो उससे क्या होता है, किडनी में स्टोन बन जाते हैं। तो ये क्या करता है, पैराथॉर्मोन रीअब्सॉर्ब करवाता है, जो कैल्शियम ऑस्टियोक्लास्ट ने बोन से निकाल दिया है उसको रिलीज़ कर दिया है। तो ये क्या करता है, पैराथॉर्मोन उसको रीअब्सॉर्ब करवा देता है किडनी के थ्रू, यानी वापस जो निकल गया है अब वो वापस एब्जॉर्ब कराता है किडनी में। कहाँ कराता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स में, किडनी में होती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, उसमें क्या करता है, ये कैल्शियम का रीअब्सॉर्प्शन करा देता है, यानी कैल्शियम वापस एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर क्या होता है, प्रमोट्स किडनी टू फॉर्म कैल्सिटोनिन, प्रमोट करता है यानी किडनी को भी ये आगे बढ़ाता है, क्या करने के लिए, कैल्सिटोनिन को बनाने के लिए, विच इनहेंसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टिन। ये क्या करता है, किडनी को प्रमोट करता है ताकि कैल्सिटोनिन फॉर्म करे, किडनी क्या बनाए, ताकि कैल्सिटोनिन ऐसा हार्मोन बनाए जिसके द्वारा क्या हो, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो, काय में हो, इंटेस्टिन्स में जब हम खाना खाते हैं तो कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाए, उसके लिए क्या करती है, किडनी कैल्सिटोनिन बनाती है। वो कैल्सिटोनिन क्या करता है, प्रमोट करता है इंटेस्टिन्स को, इंटेस्टिन यानी आपकी छोटी आंतें, स्मॉल इंटेस्टिन्स, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है कैल्शियम लेवल को आपके शरीर में, जिससे कैल्शियम आपकी बॉडी को मिलता है जब बाहर से आप कैल्शियम खाते हो। ठीक है, कैल्शियम किस खाते हो, जिस खाने में, जिस दूध में हुआ कैल्शियम, इस तरीके के जो खाने हैं जिनसे कैल्शियम मिलता है उसको ये प्रमोट करती है कैल्शियोटोनिन के द्वारा, जिससे वो इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अब हम देखेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स, अप्लाइड एस्पेक्ट्स यानी अब इसमें क्या क्या ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जो एबनॉर्मल एक्टिविटी देखेंगे हम इसकी, है ना। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाइपो यानि इसका लैक ऑफ पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन, अगर पैराथॉर्मोन कम सीक्रेट होने लग जाए तो क्या होगा, टिटैनी दैट इज ट्विचिंग एंड स्पास्म ऑफ हैंड, टिटैनी हो जाती है यानी शरीर में अकड़न होती है, शरीर का अकड़न होती है, क्रैम्स आते हैं उसमें, और क्या होता है, ट्विचिंग एंड स्पास्म यानी हाथों में खिंचाव और अकड़ होती है ना, ये हाथ जो है ना स्पास्म उस यानी खिंचाव और अकड़न होती है हाथों में और शरीर में अकड़न होती है, अगर ये हाइपो पैराथायरॉइडिज्म हो जाए यानी पैराथॉर्मोन का लेवल बहुत कम सीक्रेट होने लग जाए बॉडी में तो ऐसा होता है, और अगर ज़्यादा होने लग जाए तो क्या होगा, तो होगा हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, क्या होगा, हाइपो में यानी कम होता है, हाइपर में यानी जब ये ज़्यादा सीक्रेट होने लग जाता है, किडनी स्टोन्स एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन, इसमें क्या होगा, हाइपर अगर एक्टिविटी हो गई तो किडनी में स्टोन बनेंगे, और जैसे मैंने बताया बोन फ्रैक्चर होगी, क्यों बोन फ्रैक्चर होती है, क्योंकि क्या करता है, बोन से भी एलिवेट कर लेता है यानी निकाल लेता है कैल्शियम को। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, आज पैराथायरॉइड हार्मोन का हमने हिस्टोलॉजिकल व्यू देखा कि हिस्टोलॉजी इसकी क्या होती है, हमने इसके टिश्यू की स्टडी करी, इसके हार्मोन्स के सिंथेसिस देखे, क्यों इसके हार्मोन क्या फंक्शन करते हैं, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड रिलीज करता है, इसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं, ऑक्सीफिल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स होते हैं, और क्या होते हैं, पैराथायरॉइड फॉलिकल होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है, ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, फॉलिकल से क्या होता है, रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, कोलॉइड क्या होता है, कोलॉइड स्टोर करता है, किसको स्टोर करता है, हार्मोन्स को स्टोर करता है। ठीक है, ऑक्सीफिल सेल्स और प्रिंसिपल सेल्स इसके बारे में देखें, ऑक्सीफिल सेल्स प्रिंसिपल सेल्स से बड़े होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स मैंने बताया पेल होते हैं यानी हल्के कलर के होते हैं, और अगर स्पेशल स्टेन से करो उसको स्टेनिंग तो उसके ग्रैन्यूल्स भी शो होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसके फंक्शंस देखें, कैल्शियम पैराफॉलिकुलर से रिलीज होता है जो मैंने बताया, प्रमोट इंक्रीज अगर एक्टिविटी होगी तो मैंने बताया ऑस्टियोक्लास्ट के बताया, और अप्लाइड एस्पेक्ट्स में क्या बताया मैंने, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है और हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपो में कैल्शियम पैराथॉर्मोन का लेवल कम हो जाता है और हाइपर में पैराथॉर्मोन का लेवल बढ़ जाता है, कम हो जाएगा तो क्या होगा, टिटैनी होगा, ट्विचिंग यानी खिंचाव होगा, अकड़न होगा शरीर में, और हाइपर में क्या होता है, किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे और बोन में फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये था आज का हमारा हिस्टोलॉजिकल व्यू ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड।